नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको किर्लोस्कर का DM14 सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसको मैं आपको ये बताऊंगा आज कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल इंजन है या फिर डुप्लीकेट। मार्केट में ऐसा डुप्लीकेट इंजन बहुत आया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप एरो का ये जो निशान देख रहे हैं, ये ऊपर पे है, जो कि रॉकर बॉक्स के ऊपर पे दिया गया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो ये लाइनर है, इसमें भी किर्लोस्कर लिखा गया है। और मैं आपको जूम करके दिखा पा रहा हूँगा, ये आप लोग देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। ये इसके चैम्बर में भी किर्लोस्कर इस तरीके से लिखा गया है। तो ये सब चीज़ आपको मिला लेना है, ठीक है। इस इंजन का एक्चुअल प्राइस भी मैं आपको बताऊँगा। ये है यहाँ पे, ये देखिए, इस जगह पे भी ये एरो का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि ये इंजन जो है ये बूस इंजन है। यहाँ पे आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये बूस इंजन है, बॉल बेयरिंग इंजन नहीं है, ठीक है। इसके कारण से ये इंजन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। इसका रिव्यू मैंने किया है अपने चैनल पर, बहुत अच्छा होता है। इसका इधर से कुछ आप इमेज देख सकते हैं, ये डीजल टैंक है जिस पे किर्लोस्कर लिखा गया है, और ये चैम्बर पे इस साइड से कुछ अंक लिखा गया है, जो आपके कागज़ में भी लिखा होगा जो आप इंजन को ख़रीदेंगे, ठीक है। और ये इसका सॉफ्ट है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस इंजन को। और यहाँ पे भी एक एरो है, जो कि आप देख रहे हैं। ऐसे तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये डीजल फिल्टर है, ठीक है। डीजल फिल्टर पे भी एक एरो आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका गवर्नर है। यहाँ से आप इंजन को इंजन का जो चाल है वो बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इंजन को बंद भी कर सकते हैं, यानी कि इंजन को स्टॉप आप यहीं से कर सकते हैं। फ्यूल कंट्रोल करना हो, चाल बढ़ाना हो, लोड सेटिंग करना हो, फ्रीक्वेंसी सेट करना हो, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है एयर क्लीनर है इंजन का, ठीक है। एयर क्लीनर ये इंजन का है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कीमत का बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का बोल्ट है, इस पर भी सिंबल बना दिया गया है, ठीक है। और इसका ये रिटर्निंग पाइप है डीजल का, और बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है। और ये एक बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो स्टिकर बोर्ड है, यहाँ पे सब मॉडल नंबर, इंजन का HP वगैरह, जो भी इसका कंपनी सजेस्ट करती है, वो सब दिया गया है। और इसमें एक अलग से पाइप दिया गया है, ठीक है, मोबिल का ये अलग से पाइप है। ये यहाँ से मोबिल पंप जो है चढ़ाता है, एक गया बूस्ट को जो फ्लाईव्हील घूमता है, और एक ऊपर आ गया जहाँ पे टाफिट चलता है, ठीक है, रॉकर बॉक्स। तो ये रॉकर बॉक्स में जाता है मोबिल, ठीक है, जो कि लुब्रिकेट करते रहे इंजन को। और मैं आपको इसको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको खोलते हैं, खोल के आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इस इंजन का बात करें तो 50,000 में आपको ये इंजन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतने में ख़रीदा है, ठीक है। मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर बूस दिख रहे हैं, ये टैफिट है, ठीक है। ये टैफिट पे भी बूस लगा हुआ है, जहाँ पे मोबिल आता है, ठीक है। ये डिकम्प्रेसर लीवर है, इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। स्टार्टिंग के वक्त आप इसको ऊपर कर सकते हैं, और उसके बाद आप जब स्टार्ट करने लगेंगे इसको, तो फिर आपको डिकम्प्रेसर लीवर को नीचे की ओर धकेल देना है, जिससे आपका इंजन ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। और ये पाइप अलग से इसके रॉकर बॉक्स में इसलिए दिया गया है मोबिल का, क्योंकि ये इंजन में कुछ जो है फैसिलिटी बढ़ाया गया है, क्योंकि ये इंजन जो है वो 14 HP का है, यानी कि 14 हॉर्स पावर का इंजन है ये, ठीक है। इस साइड से मैं आपको कुछ इसका व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप इंजन को ख़रीदना चाहते हैं, आप इंजन को बेझिझक खरीद सकते हैं। ये इंजन लोड लेने में माहिर है, बहुत अच्छे तरीके से लोड लेता है, और डीजल की कम खपत में आपको बेहतर ताकत देता है, ठीक है। और अगर बात करें इस इंजन का कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर इसका बहुत ही हार्ड कंप्रेसर है, आप वो देख सकते हैं, स्टार्टिंग के वक्त आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।